हेलो गाइस, मैं हूँ क्रेनी मराक और आज मैं एक जगह पे आ रहा हूँ। जगह का नाम है अमसोय। हमारा घर से इतना दूर नहीं है, एटलीस्ट लाइक 7 किलोमीटर जैसा होगा, 7 किलोमीटर जैसा होगा। जो नन्हे मुन्ने बच्चा, प्यारे प्यारे बच्चा लोग कुंफू सीख रहा है, वहाँ पे आ रहा हूँ। कैसे सिखा रहा है और कौन सा कुंफू सीख रहा है वो सब पता चलेगा जाने के बाद। तो फिलहाल के लिए मैं अभी गाँव में ही हूँ, अभी शुरू किया आने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे गाइस। गाइस, इस वर्तमान असुरक्षित दुनिया में न केवल कुंफू सीखना लड़कियों या महिलाओं के लिए, कोई भी मार्शल आर्ट अच्छा है। सेल्फ डिफेंस सीखना सभी के लिए बहुत जरूरी है, खासकर लड़कियों के लिए। गाइस, मैं ऑलरेडी फिलहाल अमसोय में आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चा लोग सीखने के लिए, कुंफू सीखने के लिए आया है। तो यहाँ पर सर जो ट्रेन कर रहा है, सर पहले आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। माय सेल्फ रूपम सरकार, और मैं मतलब असम का एक कार्ड इंस्ट्रक्टर हूँ। तो असम का नहीं, मैं मोरिगांव डिस्ट्रिक्ट का जीटो होगा का स्टाइल चीफ हूँ। और अभी मेरा अंडर में 4 क्लास चल रहा है, तो वही का एक ब्रांच ए है। तो आप लोग देख सकते हैं जब छोटे छोटे बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। और जो कराटे होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, बिकॉज उन लोगों का फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल बच्चों का मतलब स्कूल मतलब आपका बॉडी खुद के बॉडी के वेट से ज़्यादा स्कूल का बैक का वेट हो गया, तो इसलिए फिट है ना बहुत जरूरी होता है। तो आगे देखिए और बात करते हैं, आगे मिलते हैं। I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind, my friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up. Sir, ये जो कुंफू है, ये ताइक्वांडो के अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि निंजा ताइक्वांडो वो अलग होता है। एक कुंफू नहीं है, एक्चुअली वो कराटे। और हमारा ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो हम लोग ओलंपिक के थ्रू ही खेलते हैं, असम ओलंपिक के थ्रू खेलते हैं। अभी यहाँ पे नया चला है, पूरा स्टूडेंट नया है, तो धीरे धीरे ऐसे भी अच्छा निकलेगा, ऐसे हमारे यहाँ पे भी स्टेट चैंपियन है। और सर, अगर कोई यहाँ पे शामिल होना चाहता है और जुड़ना चाहता है आपके साथ, सीखना चाहता है जो ट्रेन आप कर रहा है, तो इसके शामिल होने के लिए क्या प्रक्रिया है? ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको मतलब एक फॉर्म मिलेगा, तो फॉर्म का आपका गाइडलाइंस फॉलो करना है और आपका फॉर्म फिलअप करके जो इंस्ट्रक्टर रहेगा इंस्ट्रक्टर को देना है। क्योंकि इस क्लब में मेरा ब्रांच में कोई हीरो फीस ही रहता है, तो उसको देना पड़ेगा। तो आपका जॉइनिंग फीस होगा आपका 300 होगा। आपको ड्रेस लेना है, कराटे का ड्रेस लेना है, और आपको मंथली 150 जस्ट। तो गाइस, आप अगर शामिल होना चाहता है और जोड़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मैं सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो जरूर आप सीखना चाहता है तो आपका बच्चा को, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, ये बहुत जरूरी है आजकल हमारा इंडिया में, तो ऐसे भी असुरक्षित है, तो ये जरूरी है। और बच्चा नन्हे मुन्ने बच्चा लोग यहाँ पे इतना कर रहा है। सर जी वहाँ पे है, दो है सर। इसका कोर्स कितना होता है सर, कितना महीना होता है? एक्चुअली इसका कोर्स आपको एडमिशन से लेकर आपको 5 ईयर्स लगेगा आपका ब्लैक बेल्ट लेने के लिए। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लिए, साल में 2 एग्जाम होता है, 6 महीना बार बार एक एग्जाम होगा। तो आप पहले तो व्हाइट बेल्ट से, फिर आपका येलो, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, देन पर्पल। जो बेल्ट है व्हाइट बेल्ट के लिए कितना सीखना पड़ता है? व्हाइट बेल्ट तो पहले आप ड्रेस के साथ ही मिले, ड्रेस के साथ व्हाइट बेल्ट लेने कोई सीखने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सीख कर मतलब येलो बेल्ट मिलता है, और ऐसे करते करते डेवलप होकर चला जाता है। अगर सेल्फ डिफेंस भी होता है, अगर आप नहीं, मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं सेल्फ डिफेंस करूंगा, तो आप वो भी सीख सकते हैं। हाँ, मैं गेम खेलूंगा, वो गेम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से भी आपका ओलंपिक, नेशनल, एशियन, कोई भी गेम ओलंपिक के थ्रू खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी फिलहाल के लिए कितना बच्चा आया है? अभी 50 स्टूडेंट है यहाँ पे। हमारा अंडर में कितना दिन हो गया है सर यहाँ पे? जस्ट 2 महीना शायद होगा, दो महीने से ज़्यादा नहीं होगा। आप ब्रांच कितना, मेरा ब्रांच आपका 5 ब्रांच है, धरमतुल, सिलचांग, नेली,
और आपका होगा अमसोई और है खे तेलाही, तो कहीं पे भी आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बुरा ना माना तो कहाँ पे सीखा है सर आपने? मैं तो जागर कॉलेज, जागर कॉलेज से सीखा हूँ मैंने, और गुवाहाटी से ट्रेन करता हूँ अभी तक, अभी भी सीख रहा हूँ गुवाहाटी से ट्रेन सीखता हूँ। इस स्टेट का जो हमारा नीतपुर गोस्वामी सर, उनसे सीखते रहते हैं। आप पूरा कंप्लीट कर चुका है ये? ब्लैक बेल्ट तक कर चुके हैं। ब्लैक बेल्ट वही लास्ट होता है ना? नहीं, वही लास्ट नहीं होता है एक्चुअली, ब्लैक बेल्ट के ऊपर आपका मास्टर डिग्री होता है। तो डन होता है, फर्स्ट डन, सेकंड डन, फोर्थ डन, ऐसा होता है, डन होता है। तो डन कर रहा हूँ और फिर मैं और रेफरशिप भी कर रहा हूँ अभी, रेफरी जो होता है। तो गेम में इस बार भी मैंने रेफरी किया, स्टेट में फर्स्ट सिलेक्शन मिला था, तो बेस्ट जज भी अवार्ड भी मिला। तो वैसे ही धीरे धीरे मैं भी खुद सीख रहा हूँ, बच्चों को भी सीख रहा हूँ। ओके, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा आम समय भी आकर ऐसा कर रहे हैं। हाँ वही, अभी हमारा मतलब इरादा ऐसा है कि हम लोग जो मतलब विलेज का एरिया है ना, तो वहाँ से प्लेयर निकलना है, क्योंकि टाउन से मतलब विलेज में ज़्यादा बच्चों का मतलब जो मतलब एनर्जी होता है ना, वो ज़्यादा होता है, स्टेमिना ज़्यादा होता है। अभी आप मतलब टाउन में देख लो, सिटी में देख लो, तो ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, आराम से रहता है, तो उन लोग का फैट ज़्यादा होता है बॉडी में, वीकनेस ज़्यादा होता है, चल दौड़ नहीं पाता ज़्यादा। लेकिन अभी हमारा जनता के लिए और जो लोग शामिल होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अभी आमसे में ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आमसे में अभी नया नया ओपनिंग हुआ है, और नया ओपनिंग में ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब नए में अगर आगे तो जल्दी से सीनियरिटी मिल सकता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का सीनियरिटी मिल सकता है, तो आने से अच्छा होगा। और हम लोग, मेरे तरफ से तो फुल सपोर्ट रहेगा, और जो वीडियो देख के आएगा उन लोग को एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट भी रहेगा। ठीक है, ठीक है। और अभी मैं एक सर से भी मिलना चाहूंगा। सर, योर नेम? माय नेम इज सनी शर्मा, मैं गुवाहाटी से हूँ। गुवाहाटी से आज पहली बार आया है हमारा आमसर में? हाँ, पहली बार आया ट्रेनिंग कराने के लिए। हम लोग का नया ब्रांच एक है, उसको मोटिवेट करने आया इन लोग को, नया नया प्लेयर्स है ना। हाँ जी, उनको। तो पहले सर आपने कहाँ पे सिखा रहा था? मैं पहले आपका बोरबड़ी गुवाहाटी में, वहाँ पे स्टार्ट किया था 2010 अक्टूबर को। कहाँ पे ट्रेन किया था सर आपने? कहाँ पे ट्रेन किया था? वह बोरबड़ी बोल के जगह है। और अभी आप ऐसे ट्यूटर आप सिखा रहा है बच्चा को? जहाँ स्टार्ट किया था वही पे मैं अभी सिखा रहा हूँ सर के साथ मिलके। ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह ये एक प्राइवेट होता है ना सर? हाँ, ये प्राइवेट होता है। हाँ, ये एक्चुअली प्राइवेट ही कार्ड है गेम, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये इंक्लूडेड है, लेकिन आप सिखाएंगे तो ऑब्वियसली प्राइवेटली सबको सिखा सकते हैं। मतलब ये जापान से आया हुआ है ना, ओरिजिनल जापान ओकिनावा से आया है। तो सपोज एक आदमी ने सिखा, उसको स्प्रेड कर दिया, अलग 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 स्टाइल है, अलग अलग है, कोई एक ऑनर नहीं है इसका, सबका अलग अलग है। अभी हम लोग का जो स्टाइल का नाम है वो है गीतु कुका है कार्ड, गीतु कुका है कार्ड, गीतु कुका है कार्ड दो असम। ओके, असम वो स्टाइल का नाम है, ऐसा दूसरा स्टाइल का नाम है जैसे सोरिन। ये भी कुंग फू बोला सकता है ना सर? ये कराटे, कराटे है। कुंग फू और कराटे बहुत अलग होता है, डिफरेंस क्या है सर? एक्चुअली कुंग फू में होता है ओनली किक्स, कुंग फू में हाँ किक्स ज्यादा, उन लोग का अलग अलग किक्स होता है। कराटे ऐसा चीज है, कराटे का मतलब क्या है? एम्प्टी हैंड वे, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे, खुद को सेल्फ डिफेंस के लिए। हम कभी आगे जाके किसी को अटैक नहीं करते हैं। कराटे का मीनिंग है खुद को पहले सेफ करना, डिफेंस करना, फिर अप्लाई करना। अगर डिफेंड करके आप किसी को वो मार दिए वो अलग बात है, लेकिन हम आगे कभी किसी को अटैक नहीं करते हैं। कराटे का मेन मोटिवेशन वो है मतलब। जी तो सर आपने आज ही आया? हाँ, आज पहली बार आया। मैं देखना चाहता था कितना स्टूडेंट कैसे हैं, सब मतलब बहुत एनर्जेटिक है। इन लोग को अगर अच्छा गाइडेंस मिल जाए बहुत आगे जाएंगे इन लोग, स्पोर्ट्स के लाइन में भी, ट्रेडिशनल लाइन में भी। तो अभी फिलहाल के लिए कोई अगर शामिल करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो अभी भी ज्वाइन कर सकता है ना? हाँ, कोई टाइम नहीं है इसमें, एज लिमिट नहीं है, 5 years फॉर जस्ट, मैं जहाँ सिखाता हूँ वहाँ पर 4 years के बच्चे लोग आते हैं सीखने। सर्टिफिकेट वो सब सब है, सब है, बेल्ट है, हर 4 months में बेल्ट का एग्जाम होता है, येलो ब्लू ऑरेंज ऐसा करके। हमारा ये आंसर का जो बच्चा, ये सब बच्चा लोग सीख रहा है, इन लोग का एग्जाम कहाँ पे होगा सर? यहीं पे होगा एग्जाम, पहले होगा, हम लोग आएंगे लेने, देखने आएंगे कि कितना अपग्रेड हुआ है। वैसा हर 4 months में बेसिक्स होता है, वो होता है, सब देखेंगे हम लोग, और अच्छा होगा तो हम प्रमोट करेंगे, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। वैसे एक स्कूल में जैसे जा रहा है सेम उसके तरह ना। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय मेरे लिए देने के लिए। थैंक यू। और आप लोग का डिटेल्स यानी कि फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता है ना? कोई नहीं, जो सीखना चाहता है, शामिल होना चाहता है, वो आप लोग के साथ डिस्कस करके आ सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। गाइस, मेरा इंटरव्यू और जितना भी इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है, वो सब के साथ आप लोग इस वीडियो, इस क्लिप को देख चुका है। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे।
वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, वो सब तो आप लोग भी पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और चैनल में आप अगर नया है तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ वीडियो को पसंद आए तो शेयर कर देना गाइस। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पर, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।